now we will continue with the question answers of nelson mandela long walk for freedom and the ninth question is what does courage mean to mandela mandela ke courage Himat kya hai to mandela courage does not mean the absence of fear but the victory over it mandela ke anusar, courage doesn't mean the absence of fear himmat karne ka या हिम्मत वाला होने का बिल्कुल यह मतलब नहीं है कि आपको डर नहीं लगता डर सबको लगता है बट द विक्ट्री ओवर इट करेज मतलब हिम्मत दिखाने का मतलब आपको क्या करनी उस fear पर जो आपका डर है उस पर victory करनी, उस पर पर विक्ट्री हासिल करनी जीत हासिल करनी है वही रियल करेज है वही रियल हिम्मत है अ मैन हु इज इज द वन हु हैज ओवरकम हिज फियर टू फाइट ऑल द डिफिकल्टीज अकॉर्डिंग टू मंडेला मंडेला के अनुसार मैन हु इज करेजियस वो आदमी जो जो वही आदमी हिम्मत वाला है करेजियस है इज द वन हुज ओवरकम हिस्स फियर टू फाइट ऑल द डिफिकल्टीज वही आदमी है जिसने क्या किया अपनी डर पर अपनी सभी तरह के डर पर ओवरकम कर लिया जीत पा ली है एंड ही फॉट अगेंस्ट ऑल द डिफिकल्टीज एंड उसने सभी डिफिकल्टीज उसकी लाइफ में जितनी भी डिफिकल्टीज आई हैं मुश्किलते आई हैं उसके अगेंस्ट उसने फाइट करने के लिए वो हमेशा तैयार रहा है वही करेजियस आदमी है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट नेल्सन मंडेला के अनुसार प्यार करना ज्यादा नेचुरल है प्राकृतिक है या नफरत करना ज्यादा प्राकृतिक है ही बिलीव लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूम एज अपोज टू हेट नेल्सन मंडेला ये मानते हैं ये विश्वास रखते हैं कि लव कम्स मोर नेचुरली जो प्यार जो है वो मोर नेचुरली बहुत प्राकृतिक रूप से ह्यूमंस में मनुष्य में वो आता है एज अपोज टू हेट है ना जो कि हेट के नफरत के बिल्कुल ऑपोजिट है हेट नफरत हमें करनी सीखनी पड़ती है औरों, औरों को अगर हमने नफरत करना है तो उसके बारे में नेगेटिव सोचना है ये वो है ना तभी नफरत होती है पर प्यार जो है लव है वो वो क्या है इट इज मोर नेचुरल वो ज्यादा प्राकृतिक रहता है उनके अनुसार है ना नेल्सन मंडेला के अनुसार एंड नो वन इज बोर्न विद हेट्रेड इन देयर इन इज हार्ट फॉर एनअर और वो ये मानते हैं कि, कि किसी का भी जन्म जो है जब भी हुआ है वो कभी भी किसी के लिए दिल में नफरत लेकर जन्म किसी ने नहीं लिया है ऐसा वो मानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्विन वट ट्वीट ऑब्लीगेशन डेला वो दो ऑब्लिगेशन की बात करते हैं दो ड्यूटीज की बात करते हैं ऑब्लिगेशन इन्स ड्यूटीज तो वो दो ऑब्लिगेशन क्या है अकॉर्डिंग टू मंडेला एवरी पर्सन ऑब्लीगेशन मंडेला के अनुसार हर एक आदमी को दो obligations, दो तरह के duties जो हैं अपनी में निभानी पड़ती एंड तो पहला जो ऑब्लिगेशन है नेल्सन मंडेला के अनुसार पहला जो ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी है वो है अपनी फैमिली के लिए वाइफ के लिए पेरेंट्स के लिए अपने मम्मी पापा के लिए और अपने बच्चों के लिए यह है पहली ऑब्लिगेशन एंड द अदर टुवर्ड्स हिज सोसाइटी कॉम्युनिटी एंड कंट्री और दूसरी ऑब्लिगेशन है उस सोसाइटी में जिस समाज में आप रहते हो उसके प्रति आपकी ड्यूटीज कॉम्युनिटी अगेन वही समाज जिस समाज में आप रहते हो उसके प्रति आपका ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज हैं एंड कंट्री और जिस देश में आप जी रहे हो उस देश के लिए कुछ आपकी ड्यूटीज हैं So, ये कि सेकंड जो उनकी ऑब्लिगेशंस है किसी भी ह्यूमन बीइंग की एज पर मंडेला पर नेल्सन मंडेला नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज ए स्टूडेंट एंड हाउ डस ही कंट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स व्हाट डिड बींग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज ए स्टूडेंट मंडेला के अनुसार एज अ बॉय जब वो छोटे बच्चे थे

अस्थाई हैं, हैं, आती जाती रहती है, ऐसी फ्रीडम है उनको कहते हैं तो वो कैसे कंट्रास्ट करते हैं, कैसे उनको अलग करते हैं है, बेसिक right है और ऑनरेबल फ्रीडम्स है सबको ऑनर मिलता है रिस्पेक्ट मिलता है उस फ्रीडम को लेकर क्या तो उस चीज से वो कैसे अपनी ट्रांजिटरी फ्रीडम को क्या करते हैं कंट्रास्ट करते अलग करते हैं एज यंग बॉय एंड अ स्टूडेंट मंडेलाज आइडिया ऑफ फ्रीडम वॉज टू बी एबल टू स्टे आउट एट नाइट रीड वट एवर ही डिजायर्ड एंड गो वेर एवर ही चोज तो एज अ यंग बॉय एंड अ स्टूडेंट जब वो छोटे बच्चे थे नेल्सन मंडेला और वो जब वो स्टूडेंट थे तो उस एज में क्या है कहता मंडेलाज आइडिया ऑफ फ्रीडम मंडेला का जो फ्रीडम के बारे में जो आइडिया था विचार था वॉज टू बी एबल टू स्टे आउट एट नाइट उनके हिसाब से फ्रीडम क्या है स्वतंत्रता क्या है कि रात में उनको घूमने फिरने का क्या है फ्रीडम मिले कोई उनको रोके टोके ना अगर वो रात को कहीं बाहर घूमना चाहते हैं तो एंड रीड वट एवर ही डिजायर्ड और वो जो भी बुक वो पढ़ना चाहते हैं किसी भी तरह की किताबें वो पढ़ना चाहते हैं उस तरह की किताबें पढ़ने का उनको क्या हो फ्रीडम हो एंड गो वेर एवर ही चूज और जहां चाहे वो जाना चाहते हैं वहां वो जाएं इस तरह का डेफिनेशन था उनका फ्रीडम के लिए जब वो छोटे बच्चे यंग बॉय और जब वो स्टूडेंट थे जब वो पढ़ाई करते थे एंड ऑन ग्रोइंग अप एज ए मैन लेटर ऑन पर बाद में जब वो बड़े हुए जब वो मैन बने है ना काफी बड़ी एज के हो गए एडल्ट बने ही रियलाइज दैट दीज व ट्रांजिटरी फ्रीडम्स उन्होंने ये रियलाइज किया उनको ये पता चला है ना ये महसूस हुआ कि ये सा, ये सारी जो फ्रीडम्स हैं जिनको है ना स्टेइंग अवे एट नाइट रीडिंग वट एवर ही चूज ये तो सारी क्या ट्रांजिटरी फ्रीडम्स हैं उनको लगा ये तो अस्थाई फ्रीडम्स हैं ये कोई परमानेंट फ्रीडम्स नहीं है ये तो ये तो आती जाती रहती हैं कोई कोई परमानेंट फ्रीडम्स नहीं है ये उनको ये एहसास हुआ जब वो बड़े हुए कि उनका जो असल में किसी भी मनुष्य का जो बेसिक फ्रीडम है जो कि उसको मिलना चाहिए ऑनरेबल फ्रीडम ऐसा फ्रीडम जिससे जो उसका क्या बनता राइट right है उसका रिस्पेक्ट है इस फ्रीडम की वजह से मनुष्य होने का एक रिस्पेक्ट है उस फ्रीडम की वजह से इट हैड बिन टेकन अवे वो तो उन ब्लैक लोगों को साउथ अफ्रीका में नहीं मिल रहा है ना देर वॉज नो लिबर्टी टू हैव अ पीसफुल मैरिज फैमिली इन लाइफ साउथ अफ्रीका में उन्होंने देखा कि जो ब्लैक लोग हैं उनको कोई लिबर्टी नहीं है कोई फ्रीडम नहीं है टू हैव अ पीसफुल मैरिज वो ठीक से अपने हिसाब से शादी नहीं कर सकते फैमिली वो अपने हिसाब से फैमिली नहीं बना सकते वो अपने हिसाब से लाइफ नहीं जी सकते जो कि बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम हर एक आदमी को मिलनी चाहिए पर साउथ अफ्रीका में उस अपारथर्ड सिस्टम की वजह से ब्लैक पीपल को वो फ्रीडम नहीं मिल रही थी ये उन्होंने ऑब्जर्व किया जब वो एडल्ट बने एंड ही वॉन्टेड टू गेट दिस बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम बाई अचीविंग हिज पोटेंशियल आप कहता है, वो क्या चाहते थे ही वॉन्टेड टू गेट दिस बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम अब वो इस बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम को लेना चाहते थे बाई अचीविंग हिज पोटेंशियल अपनी कैपेबिलिटी को अचीव करके अपने आप को योग्य बना के अपने आप को इतना योग्य बनाओ कि आपको ये बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम जो है वो मिले

ड मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री वाई और वाई नॉट मंडेला को क्या लगता है कि जो ऑपरेसर है ऑपरेसर मीन जो आदमी को क्या करता है लोगों को दबाता है है ना जो आदमी को अपने कंट्रोल में रखता है ऑपरेसर बोलते हैं उसको हम लोग जो औरों को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है क्या वो ऑपरेसर भी क्या लगता है कि क्या वो खुद फ्री है है ना खुद तो औरों को दबा रहा है अपने हिसाब से लोगों को चला रहा है तो क्या वो कहता खुद फ्री है? है या नहीं है वाई और वाई नॉट उसके बारे में डिस्कस कीजिए अकॉर्डिंग टू मंडेला द as इज एज मच्रिजनर एज द ऑपरेस्ट मंडेला के हिसाब से जो ऑपरेसर है जो लोगों को दबाकर अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं as much as prisoner as oppressed. वो उतना ही प्रिजनर है उतना ही कैदी है जितना की वो आदमी जिसको उसने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है तो ऑपरेसर भी फ्री नहीं है ऑपरेसर इज नॉट एट ऑल फ्री वो भी फ्री नहीं है एज सुन एज ही कर ऑपरेस्ट ऑफ देयर फ्रीडम दबाव में रखने वाला आदमी है जितना ही ऑपरेसर जो है आदमी को है ना कर्टेल करता है दूसरे आदमी की जो फ्रीडम को है ना जो ऑपरेस्ट है बिचारा जिसको वो दबा रहा है उसकी फ्रीडम को जितना वो काटता है कर्टेल करता है कम करता है उसकी फ्रीडम को ही हिमसेल्फ गेट्स्यूमैनिटी वो खुद भी कहता है उतना ही ह्यूमैनिटी मानवता से दूर जा रहा है वो उतना ही आदमी जो है मानवता से ह्यूमैनिटी से कर्टेल हो रहा है उतना ही वो अपने आप को मानवता से काट रहा है मानवता से दूर होता जा रहा है एंड ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन और वो खुद ऑप्रेस्ड जो है ऑप्रेसर जो है ऑप्रेसर जो है ही इज लॉक्ड बिहाइंड वो खुद कहता है कि इस जेल में बंद है वो एक प्रिजुडिस के जेल में भेदभाव के जेल में बंद है और डिस्क्रिमिनेशन अगेन भेदभाव लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करना लोगों के साथ में ठीक से बिहेव नहीं करना किसी को ऊंचा किसी को नीचा ये समझना तो इस तरह से कहता है वो खुद भी क्या है किसके बार्स में किसके जेल में बंद है बार्स में जेल है ना किसकी कैद में बंद है वो प्रिजुडिस भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन की जेल में वो खुद भी बंद है तो इस तरह से जो ऑपरेसर है वो भी फ्री नहीं है सो दैट सॉल्व फॉर टूडे पार्ट नाउ वी विल डिस्कस द थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन